वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2017 में आई मूवी सिक्योरिटी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और उसके लीड रोल में हैं एंटोनियो बैंडरस और बेन किंग्सले। मूवी की शुरुआत में हमें एडी नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि फॉर्मर मरीन कैप्टन है। वैसे एडी पिछले एक साल से घर पे बैठा हुआ है, वो भी बिना किसी काम धंधे के। तो वो जॉब की तलाश में एक वेलफेयर ऑफिसर से मिलने जाता है। तो ऑफिसर कहती है कि सर, आप जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड हैं और आपके लेवल की जॉब अभी अवेलेबल नहीं है। तो एडी कहता है कि लेवल की फिक्र मत करो, मुझे बस कोई भी काम दिलवा दो। तो वो लेडी कहती है कि एक मॉल में एक सिक्योरिटी गार्ड की जगह खाली है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आज टाइम पे पहुंच जाना। तो एडी ओके बोलकर यहाँ से निकल जाता है। इसी समय हमें एक हैवी आर्म्ड पर्सनल्स की टीम दिखाई जाती है, जो कि किसी स्पेशल कार्गो को ट्रांसफर कर रही है। वैसे ये टीम यूएस मार्शल्स की टीम है, जो कि फुल अलर्टनेस के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। मगर रास्ते में मौसम बिगड़ने लगता है और जल्द ही तगड़ी बारिश होने लगती है। वेल, ये सभी खतरों की निशानी है और ऐसा होता भी है। टीम का कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन हो जाता है और साथ ही कुछ कार्स इनका पीछा करने लगती हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इनके सेफ ट्रेवल के लिए ये रोड ब्लॉक कर दी गई थी। यानी इस टीम के अलावा इस रोड से कोई भी गुजरने वाला नहीं था। तो ये जानकर टीम का कैप्टन फुल अलर्ट हो जाता है, मगर उनके कुछ कर पाने से पहले ही गुंडे अपने कार की हाई बीम लाइट्स को ऑन कर देते हैं, जिससे टीम का ध्यान भटक जाता है और फिर काफिले की फर्स्ट कार अल्टा पल्टी हो जाती है। इसके बाद गुंडे अपनी कार से बाहर निकल आते हैं और सभी यूएस मार्शल पर्सनल्स को मारने लगते हैं, और फिर जल्द ही ये लोग पूरी टीम का सफाया कर देते हैं। मगर इस समय यूएस मार्शल की कार से एक छोटी बच्ची निकलकर भाग जाती है। दरअसल टीम इसी बच्ची को ट्रांसफर कर रही थी, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट विटनेस है जो कि कोर्ट में गवाही देने वाली है। वहीं दूसरी तरफ एडी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है। दरअसल एडी की जॉबलेस स्टेट की वजह से उसकी बीवी और बेटी उससे दूर हो गई है। तो एडी को सोचकर अपनी वाइफ को कॉल लगाता है। तो एडी की वाइफ ये जानकर काफी खुश है कि उसके हस्बैंड ने फाइनली कोई जॉब ढूंढ ली है। इसके बाद एडी रिज साइड मॉल पहुंच जाता है, जहां उसे सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है। तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर वांस एडी से पूछताछ के बाद उसे मॉल में इंटर करने देता है, और फिर वो एडी को मॉल का टूर कराते हुए उसे बताता है कि ये मॉल एक लग्जरी मॉल है। इसके बाद वांस एडी को बाकी सिक्योरिटी गार्ड से मिलवाता है, जिनमें फर्स्ट मेसन है, जो कि कंप्यूटर में घुसा रहता है। दूसरा है जॉनी, जो कि अपने फोन में घुसा रहता है। तीसरी है रूबी, जो कि ऑन ड्यूटी भी मस्त सोती रहती है। यानी इन गार्ड्स में से कोई भी सीरियस पर्सन नहीं लगता। इसके बाद वांस एडी को उसकी यूनिफॉर्म इशू कर देता है और वो एडी को उसका वर्क एरिया शो करने लगता है। वैसे ये वांस भी पूरा खिसका हुआ है, जो कि बहुत बकबक करता है, जिसे सुनकर एडी जरा भी खुश नहीं है। तभी एडी को एक फैमिली पिक्चर दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे अपनी फैमिली की याद आने लगती है। मगर जो भी हो, उसे सिक्योरिटी जॉब करनी है, तो वो राउंड लगाने के लिए निकल जाता है। मगर तभी एडी को मॉल के डोर पे एक बच्ची दिखाई देती है, जो कि डोर को पीट रही है। तो एडी वांस के रेडियो पे उसे बताता है कि डोर के बाहर एक छोटी बच्ची है, जो कि काफी डरी हुई है। तो वांस के मना करने के बावजूद एडी डोर को ओपन करके बच्ची को अंदर आने देता है। मगर अंदर आते ही ये बच्ची बेहोश हो जाती है। तो एडी उसे सिक्योरिटी रूम में ले जाता है। वैसे ये वही बच्ची है जिसे यूएस मार्शल्स ट्रांसफर कर रहे थे, और ये बच्ची गुंडों से बचकर यहाँ पे आ गई है। मगर तभी इन्हें सीसीटीवी पे एक आदमी शो होता है, तो ये लोग डोर पे चेक करने पहुंच जाते हैं। तो डोर पे मौजूद आदमी, जिसका नाम चार्ली है, वो इनसे कहता है कि मेरी बेटी घर से भाग आई है, क्या वो यहाँ आई है? तो वांस उसे कंफर्म कर देता है कि जी हाँ सर, आपकी बेटी यहीं है। इस बात से बेखबर कि चार्ली बच्ची का फादर नहीं है, बल्कि वो तो बच्ची को हंट करने वाले मर्सनरीज का लीडर है। मगर एडी, जो कि आर्मी बैकग्राउंड से है, उसे गड़बड़ का एहसास होने लगता है कि ये आदमी पॉसिबली उस लड़की का फादर नहीं है। तो वो चार्ली से लड़की के बारे में क्वेश्चनिंग करने लगता है, मगर चार्ली उसके सभी क्वेश्चंस का जवाब दे देता है। तो जॉनी बच्ची को डिलीवर करने के लिए ले आता है, मगर तभी बच्ची की आंख खुल जाती है, जो चार्ली को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो वांस बड़ी फुर्ती से डोर को रीलॉक करने लगता है। तो चार्ली वांस से कहता है कि तुम बच्ची को मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें $1.25 million दे दूंगा, वो भी कैश में। मगर वांस काफी सोचने के बाद भी डील रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची को इन बैड गाइस के हवाले नहीं कर सकता। तो चार्ली उसे धमकी देते हुए बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। तो ये सुनकर वांस काफी डर जाता है। तो चार्ली अपने थ्रेट्स को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तुम लगभग 5 सिक्योरिटी गार्ड्स हो, जिनके पास किसी भी तरह का वेपन नहीं है। वहीं मेरे पास पूरी मर्सनरीज की टीम है, जो कि एक स्मॉल स्केल वॉर लड़ सकती है।
क्या तुम सच में मुझसे उलझना चाहते हो? क्योंकि अगर मैं सीधी उंगली से घी नहीं निकाल पाया तो मैं टीढ़ी उंगली कर दूंगा, जिससे तुम्हें सच में काफी ज्यादा दर्द होगा। तो वांस जल्दी से डोर ओपन करने लगता है, क्योंकि अब वो हद से ज्यादा घबराया हुआ है। मगर एंड टाइम पे एडी वांस को नॉक करके डोर को पूरी तरह से लॉक कर देता है। तो मामला बिगड़ने पे चार्ली अपनी टीम के पास लौट आता है और कहता है कि हमें अपनी गन पावर का यूज करना होगा। वहीं मॉल में एडी उस लड़की को ढूंढ लेता है जो कि जॉनी से पीछे छुड़ाकर भाग आई थी। तो वो लड़की खुद को एस जैमी इंट्रोड्यूस करती है। तो एडी उससे पिंकी प्रॉमिस करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद गार्ड्स की मीटिंग बिठाई जाती है, जिसमें थोड़े से क्ल्यू मिलते ही मेसन, जो कि एक टैक्स जीनियस है, वो जैमी को पहचान लेता है और कहता है कि जैमी का फादर एक अकाउंटेंट था जो कि एक 666 नाम के गैंग के लिए काम करता था। यानी जैमी के फादर के पास गैंग के सभी क्राइम्स के एविडेंस थे। तो न जाने कैसे उसके फादर के अंदर की अच्छाई जग उठी। उसने FBI को कॉन्टेक्ट करके डील सेट की थी, मगर एज ऑलवेज गैंग को इसके बारे में पता चल गया, तो उन लोगों ने जैमी के फादर को मार दिया। मगर ये सब सीन जैमी ने देख लिया, यानी जैमी एक मर्डर की विटनेस है जो कि उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाली थी, और शायद इसी वजह से बैड गाइस जैमी को मारना चाहते हैं। तो ये सुनकर बाकी लोग काफी परेशान हैं कि अब वो लोग करें तो करें क्या, क्योंकि इन्हें अंदाजा है कि बैड गाइस जल्द ही मॉल पे हमला करने वाले हैं। वैसे इनका अंदाजा बिल्कुल सही था, काफी सारे बैड गाइस मॉल को घेरने लगते हैं। तो ये देखकर वांस जल्दी से एडी को एक सीक्रेट जगह दिखाता है। तो एडी जैमी को एक सीक्रेट रूम में बंद कर देता है, ये कहते हुए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी आवाज मत निकालना। इसके बाद वांस एडी को फुटेज दिखाते हुए बताता है कि बैड गाइस हमारी कार को डिसेबल कर रहे हैं ताकि हम यहाँ से भाग न पाए। तो ये जानकर एडी काफी खुश है, क्योंकि गुंडों ने US मार्शल्स पे लगभग 45 मिनट पहले हमला किया था। यानी अब तक FBI को पता चल गया होगा कि बच्ची गायब है, तो वो लोग बच्ची को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, और शायद इसके डर से बैड गाइस हमारी कार को डिसेबल कर रहे हैं, वरना वो लोग डायरेक्टली मॉल पे अटैक कर देते। यानी अभी भी होप बाकी है। तो ये लोग जल्दी से मॉल के डोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, और फिर ये लोग एक सोफे को रूफ पे ले जाते हैं। तभी चार्ली अटैक के ऑर्डर दे देता है। तो एक गुंडा अपनी कार को गेट में घुसा देता है, और साथ ही दूसरा गुंडा कार से होता हुआ हीरो वाली जंप लगाता है, जिससे वो काफी ऊपर तक चढ़ने में कामयाब हो जाता है। मगर तभी एडी एंड गैंग रूफ से एक सोफे में आग लगाकर उसे नीचे फेंक देते हैं, जिससे कार में आग लग जाती है। तो चार्ली अपने ही आदमी को मार देता है, क्योंकि वो काफी शोर मचा रहा था। वहीं दूसरा गुंडा हीरो की तरह अपनी एक्स का यूज करके रूफ तक पहुंच जाता है। तो गार्ड्स नीचे के साइड भागने लगते हैं, मगर वो फुर्तीला गुंडा यहाँ आकर वांस से चिपट जाता है। मगर जब गुंडा वांस को मारने ही वाला था, तभी रूबी यहाँ आकर गुंडे को टर्न कर देती है, मगर ये गुंडा अभी भी जिंदा है जो मरने का नाटक कर रहा था। वहीं वांस और रूबी सिक्योरिटी रूम जाकर सभी CCTV मॉनिटर और मॉल के मैप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि गुंडे इन मैप्स के थ्रू उन्हें ढूंढ न पाए। इसके बाद गार्ड्स की टीम अपना बैटल प्लान बनाने लगते हैं। तो जॉनी कहता है कि मुझे बॉम्ब बनाने आते हैं। तो ये सुनकर सभी को ऐसा लगता है कि कहीं जॉनी टेररिस्ट तो नहीं है। तो जॉनी क्लियर करता है कि मैंने इंटरनेट से ये सब सीखा है। इसके बाद जॉनी मेकशिफ्ट बॉम्ब बनाने लगता है। वहीं वांस और रूबी ट्रैप सेट करने लगते हैं। वहीं बैड गाइस की टीम मॉल के अंदर आने लगती है, मगर सिक्योरिटी रूम में न तो मैप्स हैं और न ही स्क्रीन्स। तो चार्ली का हैकर अपने पर्सनल लैपटॉप निकालकर मॉल के सिस्टम्स को आसानी से हैक कर लेता है, यानी वांस की मेहनत बेकार है। इसके बाद चार्ली अपने ठग से कहता है कि इस बिल्डिंग में हमारे अलावा जो भी जिंदा इंसान दिखे उसे मार दो। तो ये लोग अपने काम पे निकल जाते हैं, मगर तभी इनके सामने एक टॉय कार आ जाती है, जिसे बैड गाइस सिक्योरिटी रूम में ले आते हैं, और चेक करने पे इन्हें कार में एक पेपर मिलता है जिस पर चैनल 47 लिखा हुआ था। तो चार्ली रेडियो पे चैनल 47 चालू कर देता है, जिस पर एडी कहता है कि मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, तुम लोग हमें ऐसे ही छोड़कर चले जाओ, क्योंकि FBI बच्ची को ढूंढती हुई किसी भी वक्त यहां पे आ सकती है। मगर चार्ली बेफिक्र होके गार्ड्स का रेडियो ऑन कर देता है और कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो सभी को $1,00,000 पर हेड के हिसाब से मिलेगा, और अगर तुमने बच्ची को मेरे हवाले नहीं किया तो मुझे मजबूरी में तुम्हें, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे दोस्तों को और इवन तुम्हारे पेट्स को भी मारना पड़ेगा। तो ये सुनकर एडी काफी गुस्सा है, और बाकी गार्ड्स काफी डरे हुए हैं, क्योंकि वो किसी भी वक्त मारे जा सकते हैं। इसके बाद बैड गाइस मॉल में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, मगर मेसन तो बड़ा बहादुर निकलता है, जो अपने टेजर से एक गुंडे को बेहोश कर देता है और फिर उसकी गन लेकर दूसरे गुंडे को मार देता है, मगर अब उसकी ऐसी तैसी हो रखी थी। वहीं जॉनी चोरी छुपे मॉल से भागने की कोशिश करता है, मगर चार्ली का स्नाइपर उसे मार देता है। वेल,
चार्ली को अंदाजा था कि कोई न कोई इतना बेवकूफ जरूर होगा जो कि मेन डोर से भागने की कोशिश करेगा, तो उसने पहले से ही स्नाइपर तैयार कर रखा था। इसके बाद जैमी एडी के ऑर्डर पे अपनी टॉय कार से गुंडों का ध्यान भटकाने लगती है, जिसका फायदा उठाकर एडी गुंडों पे हमला कर देता है और फिर एडी गुंडों की गन हासिल करके इन गुंडों को ऊपर पहुंचा देता है। वैसे एडी की इन ओपी लेवल फाइटिंग स्किल्स को देखकर चार्ली भी काफी इम्प्रेस्ड है। इसके बाद जब वांस और रूबी रीग्रुप हो रहे होते हैं, तब एक गुंडा रूबी को गोली मार देता है, तो वांस रूबी को अपने साथ बाकियों के पास ले जाता है जहां सभी रीग्रुप होने वाले थे। वहीं अब चार्ली की पूरी तरह से सनक चुकी थी, तो वो पर्सनली बैटल में इंटर करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद वांस रूबी को रोते हुए ट्रीटमेंट देने लगता है और इसी समय एडी भी जैमी को तसल्ली देते हुए कहता है कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मगर तभी एडी को रेडियो पे चार्ली की वॉइस सुनाई देती है, जिस पर वो कहता है कि एडी वन लास्ट ऑफर, बच्ची को मुझे दे दो वरना मैं इस प्लेस को उड़ाने वाला हूँ। मगर एडी उसकी एक भी नहीं सुनता। तभी मेसन को सीसीटीवी से पता चलता है कि मॉल के बाहर काफी सारी पुलिस कार आ गई हैं, तो वो जल्दी से एडी को इन्फॉर्म कर देता है। तो ये देखकर एडी काफी खुश है कि एट लास्ट कोई हेल्प करने आ गया है। वहीं बैड गाइस लास्ट डोर को तोड़कर अंदर आने लगते हैं, तो वांस ऊपर से गोलियां बरसाने लगता है जिससे कई गुंडे मारे जाते हैं और फिर वो एक सिलेंडर को शूट करके दो चार गुंडों को फिर से उड़ा देता है। वहीं एडी ने यूएस मार्शल्स की टीम को बैक डोर से इंटर करा दिया था, मगर एज ऑलवेज पुलिस गलत लोगों पे शेर बन रही है। वो एडी पे गन पॉइंट कर देते हैं और पूछते हैं कि लड़की कहाँ है, तो एडी उन्हें जैमी की लोकेशन बताते हुए बोलता है कि मैं बच्ची को नीचे ला सकता हूँ ताकि तुम उसे सेफली यहाँ से ले जा सको, तो ये लोग मान जाते हैं। इस वक्त एडी मेसन को बोलता है कि जैमी को मेरे पास ले आओ, मगर मेसन के डर के मारे ऐसी तैसी हो रखी थी, तो वांस उसे सपोर्ट करते हुए बोलता है कि तुम बच्ची को लेकर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कवर करूंगा। इसके बाद वांस कवर फायर करने लगता है जिससे मेसन और जैमी को भागने का मौका मिल जाता है, मगर एक गुंडा वांस के पास आकर उसे भून देता है। वहीं यूएस मार्शल्स की टीम ने एडी को अभी भी गन पॉइंट पे ले रखा है, तो एडी को इन लोगों पे शक होने लगता है कि इतनी गोलीबारी होने के बावजूद ये लोग अंदर सपोर्ट करने क्यों नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये लोग तो मुझे घेरे खड़े हैं, कुछ तो गड़बड़ है। और एडी का अंदाजा बिल्कुल सही था, ये लोग असल में 666 गैंग का पार्ट हैं, जिसके बारे में एडी को इनके नेक टैटू से पता चल जाता है। तो एडी इन पर हमला कर देता है, मगर इस समय बैड गाइज मेसन को मारने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये देखकर एडी गुस्से में इन सभी को मार देता है। वैसे जैमी की अच्छी किस्मत थी, वो इस फायरिंग से बचकर भागने में कामयाब हो जाती है और फिर वो अपने पिंकी रेडियो से एडी को कांटेक्ट करके उसे बताती है कि वांस भी शायद मारा गया है, यानी अब बस हम दोनों ही सही सलामत बचे हैं। तो ये सुनकर एडी की सनक जाती है और वो जैमी से कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके रियल वॉकी टॉकी का इंतजाम करना होगा और फिर तुम रेडियो पे हेल्प बुलाने की कोशिश करो और इन गुंडों को मैं संभालता हूँ। तो ये सुनकर ये बहादुर बच्ची काम पे लग जाती है। इस बात से बेखबर कि चार्ली ने इनकी सारी बातें सुन ली हैं, तो वो अपनी आदमियों से कहता है कि प्रोबेबली एडी हमारे रेडियो जैमर को डिस्ट्रॉय करने वाला है ताकि वो पुलिस बुला सके, तो तुम्हें एडी को ऐसा करने से रोकना होगा। वहीं एडी एक मस्त सी गाड़ी लेकर बाहर जाने लगता है ताकि वो चार्ली की कम्युनिकेशन वाली वैन को उड़ा सके, मगर गुंडों का सेकंड इन कमांड एडी का पीछा करने लगता है। वो ऊपर से ही जंप लगाकर एडी को गिरा लेता है और फिर इनके बीच में तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, जिसमें ये गुंडा एडी की बहुत बुरी मार लगाता है। वेल, ये गुंडा तो कुंफू भी जानता है, तो वो जरा सी देर में एडी को काट पीट देता है। मगर एडी की किस्मत अच्छी थी, वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, तो वो जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल को बाहर ले जाकर गुंडों की कम्युनिकेशन वाली वैन में घुसा देता है, जिससे वैन और उसमें मौजूद रेडियो जैमिंग इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एडी जैमी को रेडियो पे कॉन्टेक्ट करके उसे बोलता है कि टाइम आ गया है, तो जैमी बड़ी चालाकी से एक सिक्योरिटी रेडियो को चुरा लेती है और उसके इमरजेंसी चैनल पे बोलती है कि मैं जैमी हूँ जो कि इस समय रिज साइड मॉल में हूँ, प्लीज हेल्प। वहीं बाहर चार्ली का स्नाइपर एडी को गोली मार देता है, तो एडी अपनी कार से गन निकालकर स्नाइपर को ठोक देता है और साथ ही उस कुंफो पांडा को भी जो कि एडी का पीछा कर रहा था। वहीं मॉल में चार्ली जैमी का पीछा करते हुए उसके काफी क्लोज आ गया था, मगर उसे जैमी की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, तो वो बच्ची को बेवकूफ बनाने लगता है कि एडी एक धोखेबाज है जो मौका पाकर यहाँ से भाग गया है, क्योंकि एक अनजान लड़की के लिए आखिर मरना कौन चाहेगा। तो जैमी, बी अ गुड गर्ल, अगर तुम कल कोर्ट ट्रायल में बयान न दो तो मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूंगा और साथ ही तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा। मगर जैमी को पता है कि ये टकलू झूठ बोल रहा है, जो कि उसके सामने आते ही उसे गोली मार देगा, तो वो जहाँ थी वहीं छुपी रहती है। मगर चार्ली भी चालू है, वो जल्द ही जैमी को ढूंढ लेता है,
मगर जब वो जैमी को मारने वाला था तभी एडी यहाँ पे आ जाता है, तो उसे देखकर चार्ली सीरियस हो जाता है और फिर वो एडी पे गन तान कर उसे बोलता है कि तुम बेवजह इस समय टांग क्यों उड़ा रहे हो, अगर ये बच्ची मारी भी गई तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्यों ना तुम मेरी डील एक्सेप्ट कर लो और पैसा लेकर यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। मगर जैमी एडी का इशारा समझकर चार्ली को अपने टेजर से तगड़ा शॉक दे देती है और बस इतना ही मौका तो एडी को चाहिए था। एडी जल्दी से अपनी गन से चार्ली की खोपड़ी खोल देता है, यानी इस टेरिफाइंग मर्सनरीज के ग्रुप का दी एंड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है, रियल पुलिस, तो जैमी इंजर्ड एडी को बाहर ले आती है, मगर पुलिस वाले एडी पे गन तान देते हैं, तो बहादुर लड़की ये देखकर एडी को हक कर लेती है। वेल, वो ये शो करना चाह रही है कि एडी बैड गाय नहीं है, तो पुलिस वाले गन डाउन कर लेते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वांस अभी भी जिंदा है और फिर एडी का ट्रीटमेंट होता है, तो उसे होश आते ही सबसे पहले उसे जैमी मिलने आती है जो उसे ठीक ठाक देखकर काफी खुश है, तो एडी उसे डोर की तरफ इशारा करने लगता है, तो जैमी ये देखकर काफी हैरान है कि उसे लेने उसके फेवरेट अंकल विल आए हैं जो कि जैमी के रियल फादर की तरह हैं, तो वो विल के पास जाकर उससे लिपट जाती है, तो ये सब देखकर एडी काफी रिलीफ फील करने लगता है। इसके वक्त एडी पूरी तरह से ठीक होने के बाद अपनी फैमिली के पास चला जाता है जहां उसकी बीवी और बेटी उसे देखकर काफी खुश हैं, और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।